भेज दो करके भेजो ये सबसे पहले तो दिल्ली। प्रगति मैदान में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है और इस मेले के अंदर सबसे आकर्षण का जो केंद्र है वो दिल्ली का पवेलियन है, क्योंकि पिछले 7 सालों में दिल्ली के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट के वर्क हुए हैं उनको इस पवेलियन के अंदर जो है वो दिखाया गया है, दर्शाया गया है। सबसे पहले जैसे ही अगर आप इस पवेलियन के अंदर एंटर करते हैं तो पिछले कई सालों में जिस तरीके से मौला क्लिनिक को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से प्रचार किया जाता है वो स्टॉल जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी मौला क्लिनिक जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौला क्लिनिक में बाकायदा लोगों के टेस्ट और उसके लिए डॉक्टर की एक टीम जो है वो बिठाई गई है। यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो बैठेंगे, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनका चेकअप इस मौला क्लिनिक के अंदर जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मौला क्लिनिक के अलावा सरकार की अगर इसमें अगर बात की जाए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल्स हैं और इसके अलावा तमाम जो चीजें हैं उसकी बखान भी जो है वो यहाँ पर किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ वेल्थ एंड फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो स्टॉल है वो बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और एजुकेशन, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है उसके स्टॉल जो है वो फिलहाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे पवेलियन के अंदर। और खास तौर पर पिछले कई सालों के अंदर जो चांदनी चौक पुरानी दिल्ली की धरोहर मानी जाती है उसका रीडेवलपमेंट की तस्वीरें भी जो है वो इस जो पवेलियन है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक का जिस तरीके से सौंदर्यकरण किया गया है, जो अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है, उसके अलावा तमाम जो डेवलपमेंट पुरानी दिल्ली में हुए हैं उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जल बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और पोल्यूशन का जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से तमाम यहाँ पर स्टॉल्स जो है वो लगाए गए। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्मॉग टावर जो इन दिनों सबसे गर्म मुद्दा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन के हालात है दिल्ली के अंदर, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हुई भी है, उसमें सरकार की किस तरीके से भूमिका है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें किस तरीके से एक जो स्मॉग टावर सरकार की उपलब्धि है ताकि पोल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके उसको यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। और हालांकि इसका उद्घाटन करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे और उन्होंने लोगों से और देश के तमाम जो अलग अलग पवेलियंस के अंदर यहाँ पे लोग घूमने आते हैं उनसे अपील की है कि वो दिल्ली के सरकार के जो डेवलपमेंट के वर्क है उनको देखने के लिए इस पवेलियन में जरूर आए। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ सुशांत तारा, दिल्ली।